ओके okay, सो हम देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जैसे आप एटॉपसी प्रोटोकॉल भी कहते हैं क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एटॉपसी प्रोटोकॉल बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि साइंड हुआ होता है जिसके ऊपर सिग्नेचर्स होते है यानी एक ऐसा साइंड डॉक्यूमेंट जिसमें आप एटॉपसी फाइंडिंग्स को रिटर्न फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं ठीक है यानी एक रिटर्न रिकॉर्ड आपकी अटॉपसी फाइंडिंग्स का एक साइंड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो होता है उसे आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट या टॉपसी प्रोटोकॉल कहते हैं ठीक है ये बेसिकली प्रूफ होता है आपके टॉपसी फाइंडिंग्स और टॉपसी ऑब्जर्वेशंस का ठीक तो है हमारे पास दो टाइप्स की अटॉपसी प्रोटोकॉल या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स होती हैं फर्स्ट इज न्यूमेरिकल या सिस्टेमिक सिस्टमेटिक न्यूमेरिकल या सिस्टमेटिक या दूसरी होती है आपके पास नरेटिव या ओपन प्रोटोकॉल जो आपके पास न्यूमेरिकल या सिस्टमेटिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है ना इसमें बेसिकली आप इस तरह से रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि आप मुख्तलिफ़ सिस्टम्स को इन्लिस्ट करते हैं लाइक आप लिखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है इनलिस्ट करके उसके सामने आप जगह छोड़ते जाते हैं ठीक है फिर जब जब आप डिटॉपसी करते हैं तो आप उस एम्पटी स्पेसिस में आप डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग्स ठीक है रिटर्न फॉर्म में आप उनके सामने हर सिस्टम के सामने उसकी डिस्क्रिप्शन एंटर करते जाते हैं ठीक है ये एक कन्वीनियंट मेथड है रूटीनली हम इसी तरह से न्यूमेरिकल या सिस्टमेटिक फॉर्म में जो है एटॉपसी को के फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं ठीक है ये इतना जो आपके पास अनकॉम्प्लिकेटेड एटॉपसी केसेस होते हैं ना उनमें हम मोस्टली न्यूमेरिकल या सिस्टमेटिक मेथड के थ्रू एटोपसी रिपोर्ट तैयार करते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड और एटॉपसी केसेज में हम न्यूमेरिकल या सिस्टमेटिक मेथड के थ्रू रिपोर्ट तैयार करते हैं पाकिस्तान में मोस्टली यही मेथड यूज़ किया जाता है ठीक है इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आप अपनी फाइंडिंग्स को ऑर्डर्ड मैनर की फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं यूनिफॉर्म डिटेल्स जो हैं आपकी सारी इंफॉर्मेशन की वो डिस्क्राइब हो जाती हैं ठीक है थीके? इसी तरह आपके ये जो मेथड है न्यूमेरिकल या सिस्टमेटिक वाला ऑफ योर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये ऑब्जेक्टिव होता है इन होता है ठीक है